कैलिफोर्निया में यूट्यूब शूटिंग में महिला संदिग्ध मृत, कम से कम 3 चोट लगी। पुलिस ने बताया कि सैन ब्रूनो शहर में गोलीबारी के बाद गोलीबारी की चोटों से 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इस दृश्य पर एक महिला संदिग्ध मृत पाया गया था। कैलिफोर्निया के मंगलवार को यूट्यूब के कार्यालयों में गोलीबारी शुरू हुई, जिससे कम से कम 3 लोग घायल हो गए और संदिग्ध शूटर से पहले एक घबराया हुआ भाग निकला। एक महिला जाहिरा तौर पर आत्महत्या कर ली। महिला ने आत्महत्या कर जाहिर कर आत्महत्या कर ली। शूटिंग के मकसद पर कोई तत्काल शब्द नहीं था। महिलाओं द्वारा शूटिंग अमेरिका में एक अत्यंत दुर्लभ घटना है। सैन ब्रूनो शहर में एक अराजक दृश्य के बीच एक महिला, माना जाता है कि निशानेबाज गूगल की स्वामित्व वाली वीडियो साझाकरण सेवा के दृश्य पर मृत पाया गया था। सैन ब्रूनो पुलिस चीफ एड बावेरिनी ने संवाददाताओं से कहा, हमारे पास एक विषय है जो इमारत में आत्मघाती जख्म के साथ मृतक है। इस समय हम इसे शूटर होने का मानते हैं। बर्बरनी ने 4 पीड़ितों का उल्लेख किया, लेकिन तुरंत यह स्पष्ट नहीं किया गया कि अगर शूटर शामिल है किसी भी उद्देश्य पर कोई तत्काल शब्द नहीं था। महिलाओं द्वारा गोलीबारी संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत दुर्लभ घटनाएं हैं, जहां पुरुषों द्वारा भारी संख्या में बंदूक की हिंसा होती है। FBI के एक अध्ययन के मुताबिक 2000 और 2013 के बीच सार्वजनिक स्थानों में 160 या उससे अधिक निशानेबाजों को शामिल करने वाली 160 घटनाएं देखी गई थीं, जो लोग खुली आग में सिर्फ 6 थे। महिलाओं की संख्या 3.8% थी। हताहतों की खबरों के बीच परब्रनी ने कहा कि घायलों को ले जाया गया है और उन चोटों के लिए इलाज किया जा रहा है जो इलाज योग्य हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने इमारत को बंद कर दिया क्योंकि उन्होंने जांच का पीछा किया और किसी भी संभावित पीड़ितों की खोज की। कर्मचारियों ने उन मत दृश्यों को याद किया क्योंकि वे सैन फ्रांसिस्को के पास यूट्यूब के मुख्यालय से निकल गए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि उसने फर्श पर खून को देखा था क्योंकि वह बच गए थे। कर्मचारी टोड शेरमिन ने ट्वीट किया, हम एक बैठक में बैठे थे और फिर हम लोगों को दौड़ते हुए सुनाते हैं क्योंकि वह फर्श पर फंस रहा था। पहले विचार भूकंप था। शेरमैन ने कहा कि जब वह बाहर निकलने के लिए जा रहे थे, किसी ने कहा था कि एक व्यक्ति एक बंदूक रखता है और कहा, उस समय हर नए व्यक्ति को मैं एक संभावित शूटर था। शेरमैन के ट्वीट्स ने जारी रखा, मैंने नीचे देखा और देखा कि खून फर्श और सीढ़ियों पर है। खतरों के लिए चारों तरफ देखा और फिर हम नीचे की तरफ और सामने बाहर खड़े हो गए। एक ट्विटर प्रयोक्ता द्वारा पोस्ट की गई एक छवि में दिखाया गया कि कर्मचारियों को अपने हाथों से इमारत से बाहर ले जाया गया और कोई और स्पष्टीकरण नहीं मिला। एक अन्य यूट्यूब कर्मचारी वादिम लेविसिक ने ट्वीट किया, यूट्यूब मुख्यालय में सक्रिय शूटर शॉट्स सुनकर और मेरे डेस्क पर चलने वाले लोगों को देखा। अब सहकर्मियों के साथ कमरे में बाड़ लगाई गई। बाद में लेविसिक ने कहा कि वह सुरक्षा से बच गया है। साक्षी ने घटनास्थल पर हेलीकॉप्टर के साथ साथ पुलिस स्वाट टीमों को बताया। व्हाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जानकारी दी गई थी और उनका प्रशासन सैन ब्रूनो की चल रही स्थिति की निगरानी कर रहा था। कुछ ही समय बाद ट्रंप ने ट्वीट किया, हमारे विचार और प्रार्थनाएं सभी लोगों के साथ हैं। हमारे अभूतपूर्व कानून प्रवर्तन अधिकारियों और पहले उत्तरदाता जो वर्तमान में इस दृश्य पर हैं के लिए धन्यवाद। YouTube हेडक्वार्टर माउंटेन व्यू में मुख्य गूगल परिसर से लगभग 30 मील 50 किलोमीटर स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में बंदूक नियंत्रण उपायों पर गर्म बहस के बीच स्कूलों और अन्य जगहों पर घातक बंदूक की घटनाओं की एक श्रृंखला के बाद शूटिंग शुरू होती है।
पार्कलैंड फ्लोरिडा में घातक शूटिंग के बाद अनुमानित 1.5 मिलियन लोगों ने मार्च 24 को सख्त हथियारों के उपायों के लिए बुलाया। मार्च के हमारे लाइव्स के आयोजकों ने मंगलवार की शूटिंग से प्रभावित कर्मचारियों को एकजुटता का एक संदेश भेजा, हमारे दिल आपके साथ हैं। YouTube